वेलकम टू के आर बॉलीवुड। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैफ अली खान के बारे में एक ऐसी बात, हो सकता है वो बात सुन के आपको बहुत बुरा लगे। सैफ अली खान जब अपनी वाइफ करीना कपूर के साथ एक शो में आए, उस शो के जो होस्ट थे वो थे शाहरुख खान। शाहरुख खान ने उनसे किया एक सवाल, वो सवाल ये था, ईद उल फितर जो मुसलमानों के रमजान का महीना है उसकी शुरुआत में आता है। इसके जवाब में सैफ अली खान का क्या कहना था वो सुनाने वाला हूं मैं आपको आगे चल के अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईद उल फितर मुसलमानों के पवित्र उपवास के महीने रमजान की शुरुआत में होता है। तो ये था सवाल जो शाहरुख खान ने सैफ अली खान से किया, अभी आप सुने इसका जवाब। रमजान इज अ पीरियड ऑफ फास्टिंग ऑफ 40 डेज। रमजान इज अ पीरियड ऑफ फास्टिंग ऑफ 40 डेज एंड एट द एंड ऑफ दैट फास्ट यू हैव अ फीस्ट। आई मीन यू डोंट स्टार्ट अ फास्ट विद अ फीस्ट, राइट? सो एट द एंड व्हेन यू सी द मून, यू डोंट स्टार्ट अ फास्ट विद अ फीस्ट। या सो एट द एंड व्हिच मेक्स द आंसर फॉल्स, एट द एंड ऑफ रमजान इज ईद। ग्रेट। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, क्या आपको लगता है सैफ अली खान को वाकई में नहीं मालूम कि रमजान में 29 या 30 रोजे होते हैं जबकि 40 नहीं, या फिर उनसे गलती हुई है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।